शहीदों को श्रद्धांजलि देने पहुंचे कांग्रेसियों को नगर कोतवाल ने किया गिरफ्तार। चीन सीमा पर शहीद हुए सैनिकों की याद में जला रहे थे कैंडल। बस अड्डे स्थित आजाद पार्क पर हुआ कार्यक्रम। कार्यक्रम संपन्न कर वापस जा रहे कांग्रेसियों को कोतवाल ने रोका। जिला अध्यक्ष ने लगाया नगर कोतवाल पर दबाव में काम करने का गंभीर आरोप। झल्लाए कोतवाल का गूंजा वायरलेस पर संदेश। मौके पर पहुंचे भारी पुलिस बल के साथ अफसर। दर्जनों कांग्रेसियों ने दी गिरफ्तारी। नगर कोतवाली पहुंचे अपर पुलिस अधीक्षक शिवराज। 41A की नोटिस तामिल कर सबको फिलहाल छोड़ दिया गया है। कमेटी से आह्वान था कि आज का दिन शहीदों को शहादत दिवस को सलाम करना है, उनको शहादत को सलाम करने का दिवस आज मनाना है। तो आज हम लोग सुबह ही 12 बजे तक का कार्यक्रम था कि शहीद के पार्क में शहीद की मूर्ति के सामने जो हमारे 20 जवान शहीद हुए हैं, जो हमारे कर्नल शहीद हुए हैं, उनको श्रद्धांजलि देंगे, उनका नमन करेंगे, उनको याद करेंगे। हम लोगों ने सुपर मार्केट स्थित महात्मा गांधी पार्क में किया करके, जैसे ही हम वहाँ से निकल अपने कार्यालय जा रहे थे, कोतवाल महोदय ने फोन करके उनका सीधा बोलना शुरू किया। वीडियो भी आप लोग ऑडियो भी सुने होंगे, ये कर दूंगा वो कर दूंगा। हमने कहा जो भी करना हो कीजिए, अगर वो श्रद्धांजलि देना अपराध है तो हम अपराधी हैं। फिर अभी शाम को हमारा कैंडल जलाने का कार्यक्रम था चंद्रशेखर आजाद जी की पार्क में बस अड्डे पर, उनकी प्रतिमा के सामने चार लोग हमारे जो कि चार ही लोग जला रहे थे और लोग खड़े थे, चार लोग आते थे चार लोग जाते थे। उसके बाद हम लोग जब वहाँ से निकल रहे थे, कोतवाल महोदय ने हमको रोका, हमारे रुकते ही हमारे और पार्टी के लोग रुक गए। उसके बाद भी हम लोगों को उल्टा सीधा बोलने लगे, हम लोगों को लाके कोतवाली ले आए, कल तुमको जेल भेजूंगा, इतने मुकदमे ला दूंगा। हमें समझ में नहीं आ रहा है कि क्या इंटेंशन है, सरकार के दबाव में है कि किसी नेता विशेष के दबाव में है। कोतवाल महोदय काम कर रहे हैं कि श्रद्धांजलि देना अपराध हो गया है आज के समय। हम अगर मोमबत्ती चंद्रशेखर आजाद जी की प्रतिमा सामने जला रहे हैं तो हम अपराधी हो गए। यहाँ भी समाजवादी पार्टी का कार्यक्रम बसा, अभी परसों 2 दिन पहले था, वो लोहिया जी की मूर्ति पर माल्यार्पण किया, वहाँ भीड़ थी, कोई कार्रवाई नहीं हुई। भारतीय जनता पार्टी की मीटिंग हो रही है, चाइना चीन का पुतला जला रहे हैं, सारे लोग साथ साथ खड़े, भीड़ है, पुलिस किनारे किनारे खड़ी रहती है, कोई उसमें सोशल डिस्टेंस नहीं हो रहा है, मीटिंग हो रही है, कई तरह के कार्यक्रम हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं। लेकिन सुल्तान कांग्रेस के लोग अगर कुछ कर रहे हैं, सोशल डिस्टेंस बना के भी कर रहे हैं, तो अपराध हो जा रहा है। लेकिन इस समय अध्यक्ष जी देखा जाए तो अभी सोशल डिस्टेंसिंग का काफ़ी मामला दिखाई पड़ रहा है, इस पर क्या कहेंगे? अभी की बात होगा, अभी तो हम लोग वहाँ चार लोग ही जला रहे थे, वहाँ हमारे पास फोटो भी है। यहाँ पे जैसे आने में भीड़ हो गई, लोग इकट्ठे हो गए, हमको रोका गया तो भीड़ हुई, नहीं रोकते। मैं अध्यक्ष हूँ पार्टी का, सुल्तानपुर का जिला अध्यक्ष हूँ, अगर अध्यक्ष के ऊपर आप हाथ डालेंगे, गिरफ्तार पकड़ेंगे, कोतवाली ले जाएंगे, तो हमारी पार्टी का हर वर्कर, हमारा हर नेता, कार्यकर्ता सब खड़े हो जाएंगे। तो इस वजह से इस समय जो भी भीड़ है, और बाकी हम लोग चार का सोशल डिस्टेंस का पालन, हम लोग पढ़े लिखे हैं, मैं LLB हूँ, वकील हूँ दीवानी का, यहाँ हम लोग भी समझते हैं सब सोशल डिस्टेंस करेंगे। नहीं, धारा 144 थी, लेकिन हम लोग चार लोग ही इसलिए कर रहे थे, भीड़ नहीं लगाए थे, चार लोग सड़क के पार खड़े थे, चार लोग जाके कंडल जला के चले आते थे, फिर वो अगले चार लोग जाते थे, और हमारे काफी लोग जला के चले भी गए थे, भीड़ नहीं लगा रहे कल थे। से सोशल साइट पे प्रोग्राम को डाला गया है, कोतवाल साहब कह रहे पता नहीं है, हमारा सोशल साइट में है, राष्ट्रीय प्रोग्राम है, पूरे देश में हो रहा है।